हेलो ऑल, वेलकम बैक टू विजनर ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी 18 सितंबर 2023 को कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ट्रेड कर सकता है। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने देख सकते हैं कि 15 तारीख को देख सकते हैं अच्छा खासा गैप अप थोड़ा खुला, जैसे कि मैंने बताया था। बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेके, जैसे कि ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, बैंक निफ्टी देख सकते हैं यहाँ से एक रेंज में कंटिन्यूसली था, ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा जो हमारा रेजिस्टेंस था 46,250, इसी रेजिस्टेंस लेवल पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा, यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी लोगों को पता होगा ये एम पैटर्न है, अच्छा खासा यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के बैंक निफ्टी शार्प सीलिंग आया। फिर लास्ट के हाफ एन आवर में देख सकते हैं बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा एक वॉल्यूम के साथ। मैं आपको रिपीट एक बात बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी ने लास्ट के जो 30 मिनट है हाफ एन आवर में देख सकते हैं ये जो दो कैंडल बने हैं 50-50 मिनट्स के, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ही ज़्यादा दोनों में वॉल्यूम है। आज के जितने दिन में पूरा वॉल्यूम नहीं है उतना वॉल्यूम ये बस दो कैंडल में है। तो आप लोग थोड़ा सा सेलिंग के साइड पे यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। मैं भी कल सेलिंग के साथ, मंडे के दिन सेलिंग के साइड ही प्लान करने वाला हूँ। हो सकता है कि नहीं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर ये कल सेलिंग के साइड में मार्केट आता है, यानी कि मंडे के दिन अगर सेलिंग के साइड में मार्केट आता है, तो हो सकता है कि नहीं 45,600 आपको इमीडिएटली देखने के लिए मिले। तो चलिए अभी और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देख सकते हैं कि अगर बैंक निफ्टी में देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन चल रहा है। हो सकता है कि नहीं जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे उसके बाद एक रिटेस्ट आए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड बैंक निफ्टी करेगा और फिर उसके बाद एक नीचे की साइड पे एक शार्प मोमेंटम आ सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो अगर मान लेते कि अगर समर अराउंड बैंक निफ्टी कल गैप डाउन खुलता है, समर अपन 46,100 के आसपास अगर बैंक निफ्टी खुलता है, तो मेरे हिसाब से आपको इमीडिएटली सेलिंग में एंट्री लेनी चाहिए, इमीडिएटली आपको सेलिंग के साइड पे चला जाना चाहिए। मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, एक 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चले जाना और यहाँ पे एक 50 मिनट्स का कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है तो आप लोग अच्छा खासा लो में पोजीशंस बना सकते हैं। सेम कैंडल का है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मान लेते कि बैंक निफ्टी कल गैप अप खुलता है समर अराउंड 46,250 समर अराउंड इस लेवल पे अगर खुलता है, तो ये कह रहा है कि मार्केट के लिए रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे हो सकता है कि नहीं मार्केट थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के नीचे आए। मैं आपको चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर अगर गैप अप भी अगर मार्केट खुला तो हो सकता है कि नहीं मार्केट गैप अप खुलने के बाद मैं चाहता हूँ कि अगर बाइंग के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो फिर हो सकता है कि नहीं मार्केट इसी रेंज में थोड़ा टाइम रहे, फिर उसके बाद एक अच्छा खासा ऊपर की साइड पे अगर एक ब्रेकआउट देता है तो नो डाउट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट माना जाएगा और ये ऊपर इसके ऊपर सस्टेन करना भी स्टार्ट करेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा बेरिश के साइड पर प्लान करना चाहता हूँ। रीज़न ये है कि ये ट्रेंड लाइन और दूसरा ये जो वॉल्यूम है ये बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर आपके लास्ट अगर मैं आपको कैलकुलेट करूँ यहाँ से लेकर अगर ये पूरा जितना वॉल्यूम है ये दो कैंडल में इतना पूरा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है, ठीक है। तो हो सकता है कि नहीं एक सेलिंग का प्रेशर मंडे के दिन आ सकता है। मैं सेलिंग के लिए ही प्रेफर करूंगा मंडे के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कल बैंक निफ्टी मंडे के दिन मार्केट फ्लैट खुला समर इसी लेवल पे 46,150 से लेके 46,200 अगर इसी लेवल पे खुलता है तो हो सकता है कि नहीं ये मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट देके यहाँ पे एक चैनल में चला जाए या फिर कुछ टाइम के बाद इसका ब्रेक डाउन दे और हो सकता है कि नहीं हमको एक अच्छा खासा सेलिंग का मार्केट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए रहेंगे। प्लान करना सेलिंग के साइड ही प्लान करना, बाइंग के साइड में थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो में हूँ। प्लान करना सेलिंग के साइड ही, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा 46,250 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और ये जो दो कैंडल का जो वॉल्यूम है ये बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर मैं आपको ये दो कैंडल का अगर मैं आपको वॉल्यूम दिखा सकूँ, ठीक है। मैं वॉल्यूम का इंडिकेटर भी देख सकते हैं, मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं कि लास्ट के कैंडल में 40 यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे अगर देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट के कैंडल में देख सकते हैं 46 मिलियन वॉल्यूम है, ठीक है। और सेकंड लास्ट कैंडल अगर मैं आपको दिखा दूँ सेकंड लास्ट कैंडल में तो 63 मिलियन का यहाँ पे आज वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड्स। आप प्लान करना है तो आपको सेलिंग के साइड ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सेलिंग के साइड ही ट्रेड प्लान कीजिए। बाइंग के साइड पर मैं अभी थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो में हूँ। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में।